हेलो जी, वेलकम बैक, स्वागत है अगली वीडियो में। आज है यहाँ पे हमारा शनिवार का दिन, आधा दिन निकल चुका है, आराम से उठे। अब बड़े दिनों से एक काम पेंडिंग था, वो था ये वाला जो लाइटें लटक रही है बाहर खूब सारी, क्रिसमस के टाइम और दिवाली सारे हमारी निकल गई है, ये सब उतारना है। आजू बाजू सारे पड़ोसी ने अपनी अपनी उतार दी, हम ही लोग बचे हुए थे। अब ऐसा नहीं है हम लेजी थे, अब ऐसा भी था कि भाई अब पीछे सर्दियां थी, बर्फ बर्फ पड़ी हुई थी, उसके बाद अभी मौसम अब जाकर थोड़ा ठीक हुआ है। ठीक कहाँ हुआ, फिर अगले हफ्ते सुना है स्नो पड़ रही है। तो आज मौसम थोड़ा ठीक था, धूप वूप अब चली गई, बादल आ गए वापस। तो आज ये उतारते हैं काम, सबसे पहला काम ये है, उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद बाकी काम देखते हैं। बाकी आपको शोर होगा, पीछे पार्क में बच्चे बहुत खेल रहे हैं। मंडे से बेचारों को भी खेलना बंद होने वाला पार्क में। मंडे से वो आपको बताते हैं डिटेल में आगे। आइए फिर तो जी, मौसम सही हो गया तो अब ये जो है कहते हैं फेंसिंग वाले ये आए हुए हैं, जो पीछे जिन्होंने अपना हमारे वो पीछे बैकयार्ड में फेंस लगाने वाले, चार दीवारी बनाने वाले। तो अभी पड़ोसी से पूछ रहा है कि भाई अगर वो एग्री करता तो फिर वो मिला के हो जाता काम, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता, नहीं तो अगर मैं अकेले अपने पूरे घर करवाऊँगा तो मुझे सारे सेट का देना पड़ेगा। बट अगर पड़ोसी हमारे सारे आजू बाजू वाले एग्री करते हैं तो कुछ प्राइस जो है वो आधा हो जाता है। जैसे हम दोनों के बीच का जो ये दीवार है यहाँ पे जो लगेगी वो प्राइस आधा हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो पीछे वाला घर वाला है अगर वो अग्री कर जाता है तो उसके और हमारे घर के बीच में जो बीच में दीवार लगेगी उसके बाद वो थोड़ा आधा हो जाएगा। तो ये बंदा भी आया हुआ है, ये चेक कर रहा है। तो जी ये बता रहे थे अभी कि अगर जैसे हमारे सारे पड़ोसी अगर शेयर करते हैं तो मुझे अकेले ये पड़ेगा $4,000 का पूरा फेंसिंग कराना, अगर सारे लोग शेयर करते हैं। अगर नहीं करते तो उसमें एक नुकसान ये है कि जैसे अब ये हमारे घर दोनों घरों के बीच का इलाका है, अब अगर ये वाला अग्री करता है तो दैट मीन्स हम बिल्कुल सेंटर में डाल सकते हैं। बट अगर ये वाला बंदा अग्री नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फेंस मेरा होगा वो 4 इंच सेंटर से मेरे घर की तरफ होगा, तो मैं 4 इंच लूज करूँगा। तो होपफुली सारे लोग मान जाएँ और पैसे भी बचेंगे और थोड़ी जगह भी बचेगी, उसके बाद फिर अलग शॉपिंग शुरू होगी। चलो खर्चा वाला साल दोबारा आ गया, टाइम खर्चा वाला आ गया दोबारा। गलना नहीं, ठीक है, बस फड़ के रखी। किसको फड़ के रखा मैं, कैमरे नू? हाँ मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है। कैमरा नहीं, चलो उतरो आगे, चलो अब उतार के खिसकाओ। ओह हमें तो गाड़ी हटानी पड़ेगी। हाँ, गाड़ी हटानी पड़ेगी, गाड़ी स्टार्ट भी होगी। जो स्टार्ट नहीं हुई फिर वो तो आनी चाहिए। चाबी लेके आओ, चाबी लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हल्का सा खींचो, ये अपने आप ही बाहर आ रहा है। ये जरूरत नहीं। ओके, ले, मैं करूं। हाँ तू कर ले, इतने भी जोर से नहीं खींचना कि तोड़ दो। अब पहले बड़े लो उतार लो ना, वो भी आ जाएगा फिर। मम्मी जब थे, मम्मी को ये चीजें इतनी, मम्मी कह रहे थे मेरी आंखों को चुभ रही है ये, मम्मी देखो उतार उतारो। चलो सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं थी, इतने प्यार से आ गई बाहर, बस लगाते रहने लग जाती है। क्यों ऐसे खोल गया सी नाड़ा, पतला हो गया ना मैं। जिन्ना मर्जी पत्नी हेल्प कर दे ना, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती पति नु जब तक। कोई बात नहीं, काम बढ़ाने वाली बात हो जाती है। जब तक वो हेल्प करना नहीं होता वो काम बढ़ाना हो जाता है। सनी ये क्लिप्स उतारने हैं, ये गंदे लग रहे हैं अभी, ये मैं नहीं उतारने वाला, प्लीज ये उतार। जब ये खींच रही थी मैंने कहा ढंग से तरीके से, मैंने वहां पे सारे खींचे, एक भी वो बचा नहीं वहां पे, सारे साफ है वहां पे, जो तूने खींचे यहां पे यही बचेंगे, देख लिया? हां अब इसको कहते हैं काम बढ़ाना। इस तरह से नहीं करवाता मैं काम सारा। अब तो खुलता ही
अच्छा जी, वो छानी है। हाँ, हो गया हो गया, घंटा लगा दिया उतारने में। सनी ये तो रहेगी तार, ये ऊपर छत से आके खिड़की से निकल के बाहर। ओके, तो ये तो मेरा आधा काम हवा ने बचा दिया, जो इतनी तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे पड़ी हुई है नीचे गिर के, ये पहले ऊपर लगी हुई थी इधर अपने हट वाले एरिया में, तो हवा चल चल के गिर गई, नहीं तो मेरे को और ऊपर चढ़ के इसको उतारना पड़ता, तो बस इसको लपेटने का काम बाकी है। ओके, कम कम कम। तो ये वाली है, ये ऊपर ट्रायंगल लटकी पड़ी थी, अभी ऊपर वो अभी भी फंसे हुए हैं इसके, ये पकड़ने वाले, वो उतारने मैं नहीं आ रहा ऊपर, वो मुझे दिख नहीं रहे, सो दिक्कत नहीं दे रहे। मैं दिखाता हूँ, देखो दिक्कत नहीं, तो चलाऊंगा ऊपर। हाँ, बड़े मजे आ रहे हैं बैठ के। अपने घर में सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, बस एक ही चीज की कमी जो मुझे खलती है कि बालकनी नहीं है, बट ये बालकनी वाली फील ही आ रही है, बस बड़ा मजा आ रहा है। भाई गर्मी के दिन ही है, मजे ले लो बाहर बैठने के, यहाँ पे बाहर बैठने या चाय चुए है सारा कुछ ले आके। या मस्त। कौन कितने सरकार उसको तो ये कहानी ये होगी ओंटारियो में कि यहाँ पे केसेस बढ़ चुके हैं, तो जो सरकार है यहाँ की वो ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो अब कह रही है कि रिस्ट्रिक्शन आ लेंगे। वैसे भी अभी स्टे एट होम ऑर्डर चल रहे हैं, बट अब मंडे से ये क्या होगा कि ये एक्सटेंड हो गए हैं, एक्सटेंड भी हो गए हैं और ज्यादा एक्सटेंसिव हो गए हैं। उसका मतलब ये है कि अब अभी तक तो ये था कि आप जैसे बाहर खेलने कूदने जा सकते, जैसे हम टेनिस खेलते हैं, हम टेनिस खेलने जा सकते हैं बाहर, बास्केटबॉल कोर्ट्स खुले हुए थे, गोल्फ भी अलाउड था, प्लेग्राउंड बच्चों वाले प्लेग्राउंड जैसे अपने घर के सामने वाला है वो सब खुले हुए थे, पर अब वो सब हो गए हैं बंद। और इन्होंने ये भी है कि इन्होंने पुलिस को अलग से पावर दे दी है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो और पुलिस वाला आपको कभी भी रोक के पूछ सकता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अगर उन्हें लगा कि आप एसेंशियल काम के लिए बाहर नहीं जा रहे तो आपको $750 की फाइन पकड़ा सकते हैं। हाँ। कभी भी कहीं भी, और प्रोविंस बाकी लैंड बॉर्डर भी बंद कर दिए दो प्रोविंसेस, और जैसे ओंटारियो के साथ दो प्रोविंसेस लगते हैं, एक है क्यूबेक एक है मैनिटोबा, तो दोनों के बॉर्डर्स पे इन्होंने पुलिस खड़ी कर दी है कि भाई अब आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस अगर जनरल रीजन है तो वो करने देंगे, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है मामला। एक तरफ पानी है और चौथी तरफ अपना यूएस है। यूएस वैसे नहीं आ सकते, अब हम फंसे हैं। तो ये पीछे सारा टीवी का सेक्शन है, ये पूरा बंद है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है। सो ये टीवी वाला सेक्शन हो गया सारा, ज्वेलरी सेक्शन और इनके आईज वाला सेक्शन ये सारा बंद कर दिया, ये कपड़ों वाला सेक्शन है ये भी सारा बंद कर दिया हुआ है, सारा बंद है, सारा बंद है। ये देखो इस साइड भी जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं ये सब बंद किया हुआ है, कह रहे हैं कुछ कोई नॉन एसेंशियल सामान नहीं बिकेगा, सारा हिसाब बंद है पीछे। ये कुर्सियाँ भी एसेंशियल में नहीं आती, अगर ऑफिस की चेयर लेनी थी हमने, ये सारा कुछ नॉन एसेंशियल में सारा बंद कर दिया है। तो ये सब्जियों वाला सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ एक एक बंदा अलाउड है, तो मैडम लगी है लाइन में लेने के लिए। स्पिनच भी नहीं मिली, सारा कुछ सोल्ड आउट है, तो सिर्फ सैलेड का सामान लिया मैंने।
बहुत सामान लेके अंदर इस बारी। देखो सारा हेल्दी सामान है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये सैलेड के लिए पत्ते हो गए, सैलेड के लिए टमाटर हो गए छोटे वाले, ठीक है, सैलेड का दूसरा मिक्स, और नाशपाती ब्रेड छुपा लो जरा ये वाली, और चिप्स भी छुपा लो और एक और सलाद का सामान। देखो सब सलाद ही सलाद है हमारे यहाँ पे। ये सलाद के वो हो गए कहते हैं नट्स, बाकी ब्रोकली चीनों में डलेगी, रस चाय के साथ रस। लेकिन बिस्कुट खा के मैं थोड़ा दुखी हो गया था, मैं कहा चलो इस बार थोड़ा चेंज किया जाए। तो जी फिर टाइम आ चुका है फाइनली रस एंजॉय करने का, चाके रस। या तो जी अब सिचुएशन ये होगी है कि यहाँ पे है स्टेट होम ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि क्या क्या सिचुएशन हमारे साथ। अब ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना किसी घर जा सकते हैं हम, ना कोई हमारे घर आ सकता है, ना हम बाहर खेलने आ सकते हैं। हमने इतनी मुश्किल से, आई मीन मौसम इतना अच्छा हुआ था, हमने टेनिस खेलना शुरू किया, वो भी टेनिस कोर्ट भी बंद हो चुके हैं। अब बाहर सैर करना भी अलाउड, सिर्फ घर वालों के साथ ही कर सकते हैं, बाहर वालों के साथ सैर भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अब घर भी रहना पड़ेगा, इसलिए फिर हम काफी ज्यादा हेल्दी सामान लेके आ गए। मैं कहा अब खेलना कूदना नहीं होगा तो थोड़ा फल फूल ही खा लो, बाकी ये तो ओकेशनली है, ये नहीं, ये ओकेशनली है, ये रोज रोज के लिए नहीं है। तो जी फिर ऐसे ही अब घर पे रहेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे। क्या बनाई जाए सकते हैं हम लोग घर पे, तो फिर मिलते हैं आपसे बाकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एंजॉय रस। मैं क्या, स्टे हेल्दी नॉट रस, स्टे हेल्दी रस, आई मीन ईट हेल्दी रस। दीज आर नॉट हेल्दी रस, दीज आर हेल्दी, नो सूजी का ही है, नो लुक एट द कैलोरीज, छोड़ना कैलोरीज।